हर कोई मरीज जिसका स्पाइन का ऑपरेशन होने वाला है उसे ये मन में आना बिल्कुल जायज सवाल है कि क्या सर मेरा लाइफस्टाइल सर्जरी के बाद बिल्कुल पहले जैसा रह सकता है। उसी के बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके, मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। स्पाइन सर्जरी के बाद वाली जिंदगी, अब देखो काफ़ी पेशेंट्स को बताया गया रहता है, किसी ने, फ्रेंड ने, पड़ोसी ने, कोई तो बताता है कि यार रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन अगर हो गया तो बस फिर बेड पे ही लेटे रहना है। काफ़ी लोगों को ये लगता है, पर इससे आपको डरना नहीं है। आप पहले ये भी तो समझ लो उनको प्रॉब्लम क्या था, कहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, कितने सालों पहले हुआ था और किस टेक्निक से हुआ था। काफ़ी चीज़ें हैं जो इसको डिसाइड करेगी कि आपकी लाइफस्टाइल सर्जरी के बाद कैसी होगी। अब अगर किसी को स्पाइन में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है, डॉक्टर के पास लेट स्टेज में जाते हैं, तो फिर आप कितना भी करो वो पेशेंट को प्रॉब्लम तो होगा ही। पर अगर आप सही समय पे, टाइम पे इलाज अच्छी जगह से, अच्छी टेक्निक से कराते हो, तो बिल्कुल आपकी जिंदगी सर्जरी के बाद एकदम नॉर्मल तरीके से हो सकती है। आजकल टेक्निक इतनी बढ़ गई है, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, एंडोस्कोपी, सीआर्म, माइक्रोस्कोप, न्यूरो मॉनिटरिंग, ओआर्म, ये सब टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हम काफ़ी मिनिमल इन्वेजिव वे में ये सर्जरीज आजकल कर सकते हैं। मिनिमल इन्वेजिव का मतलब है ज़्यादा चीरफाड़ ना करके, जहाँ पे प्रॉब्लम है बस उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करके हम बाहर आ सकते हैं। तो जो 20-25 साल पहले जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको पकड़ के ना चले कि आपकी भी ज़िंदगी ऐसी होगी। तो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में अगर किसी डिस्क का हर्निएशन है या अगर फ्यूजन सर्जरी करनी है तो काफ़ी मिनिमल स्ट्रिपिंग होती है टिश्यू को, काफ़ी मिनिमल डैमेज होता है और पेशेंट सेम डे या नेक्स्ट डे खड़ा होके अपने बेसिक काम कर सकता है और कुछ ही हफ्तों में रूटीन लाइफस्टाइल को वापस जा सकते हैं। पर देखो ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको किसी भी डिस्क का या स्पाइन का प्रॉब्लम है तो आपको आपकी लाइफस्टाइल को खुद ही चेंज करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये प्रॉब्लम बढ़े ना। अगर किसी डिस्क का हर्निएशन हुआ है और आपकी सर्जरी एकदम अच्छी तरीके से भी होती है तो भी वो डिस्क 100% तो नॉर्मल नहीं होगी, आपका पेन काफ़ी हद तक चला जाएगा। आप सब कुछ कर सकते हो पर फिर भी आपको आपकी लाइफस्टाइल को ऐसे कुछ चेंज करना है ताकि ये प्रॉब्लम वापस बढ़े ना। तो ये लाइफस्टाइल के चेंजेस मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप ज़रूर देखें समझने के लिए। पर कहने का मतलब यह है कि अगर आप कुछ भारी वज़न उठाते हो ज़मीन से, काफ़ी हद तक बैठे रहते हो, तो ये सब लाइफस्टाइल है, इसमें आपको सुधार लाना है। आपको आपकी कोर और बैक की मसल्स स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन के बाद भी रोज़ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी कोर और बैक मसल्स स्ट्रांग रहे। दूसरा है कि आपकी डाइट में भी आप जो खाते हैं उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, सो ये सब इम्पॉर्टेंट है कि उसकी सही मात्रा हो। स्मोकिंग अगर आप करते हो तो स्मोकिंग आपको ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से रोकना होगा, क्योंकि स्मोकिंग का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है स्पाइनल हेल्थ पे। तो अगर समराइज किया जाए तो आज की आधुनिक टेक्निक से अगर आपका स्पाइन का ऑपरेशन होता है तो आप काफ़ी हद तक आपकी बेसलाइन जो ऑपरेशन के पहले थी उसको आप वापस जा सकते हो। आपकी लाइफस्टाइल में कोई मेजर चेंज नहीं होगा, आप पूरी तरह से वापस नीचे बैठ सकते हो, झुक सकते हो, पर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप इंडियन टॉयलेट ना यूज़ करें, ज़्यादा झुके ना, बैठे ना, क्योंकि उतना स्ट्रेस बैक पे पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, बट अगर आप करते हो रूटीनली तो आगे आने वाले कुछ सालों में आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ये चीज़ें ना करें। तो ये हो गया एक मिसकंसेप्शन को दूर करने वाला वीडियो जो मैं काफ़ी पेशेंट्स हमें पूछते हैं, इसके लिए बनाने का निश्चय किया। पर मैं आपसे ये हमारी गुजारिश है कि देखो स्पाइन सर्जरी बहुत ही कम पेशेंट्स को लगती है। अगर हम 100 पेशेंट देखते तो खाली 5 पेशेंट में स्पाइन सर्जरी लगती है। तो क्या आपको सच में उसकी ज़रूरत है? और अगर है तो ही इसे कराना चाहिए। बिना सर्जरी के भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, और अगर आपको उन्हें भी जानना है या सर्जरी आपके लिए क्या आवश्यक है ये भी आपको जानना है तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे, या आप हमें मैसेजेस या कॉल भी कर सकते हो और हम कोशिश करेंगे जब भी हम फ्री होते हैं तभी हम आपको इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।